अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद फारूक एक्स नगर से हूँ। मैं अपनी छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे आपको सब लोगों को पता होगा कि इस वक्त देश के हालात क्या है और इसके ज़िम्मेदार कौन है, और ऐसे तो बहुत सी वजह है, लेकिन इसमें से कुछ वजह है जैसे जैसे लोग ज़्यादा परेशान हैं, जैसे कि नोटबंदी, GST, गाय के नाम पर लोगों की जान लेना, महंगाई और दीन में तकलीफ। अब इससे बचा कैसा जाए? अब इससे बचने के लिए आप लोगों के पास अपनी एक ताकत है, जो आप उस ताकत को यूज़ करके आप सरकार बना भी सकते हैं और सरकार गिरा भी सकते हैं। वो ताकत क्या है? वो आपका अपना वोट है। वो एक वोट जो है सरकार को गिरा भी सकता है और बिठा भी सकता है किसी सरकार को। तो आप लोगों, अब जैसे कि ये अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, तो हम क्या चाहेंगे कि वो आदमी जीते जो हमारे मुताबिक देश हित में काम करे, हमारे मुताबिक कानून बनाए, हमारे हित में बनाए। अब जैसे कि यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, एकनाथ गायकवाड़, क्योंकि मैं जब नगर सेवक था, वो MP थे यहाँ पे, तो हमने साथ में मिलकर काफ़ी काम किया और उनका काफ़ी फंड मैंने जीता के मैं यूटिलाइज किया, तो इसलिए मुझे पता है उनसे। वो 5 साल मैंने जब भी बोला, वो जब भी आए, तो मुझे मालूम है कि वो एक बढ़िया आदमी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है अपना जो वोट है, वो एक वोट जो कीमती है सरकार बनाने और गिराने में, उस एक वोट को कांग्रेस को दे के हाथ के पंजे को दे के दीजिए। अब दूसरी बात ये है कि हमारी यंग जनरेशन जो है भटक चुकी है, और मुझे पता है कि उनकी मजबूरी है। कुछ लोग की तो ऐसे है मजबूरी है, कुछ पे केसेस है, कुछ और भी मजबूरी है, तो अलग अलग पार्टियों में है। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भले ही आप किसी भी पार्टी में रहे, कोई ये नहीं है, लेकिन आप जो है देश के हित में वोट दीजिए, और ये बात देश के हित में देने के लिए आप अपना वोट जो है कांग्रेस को जाओ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग भारी तादाद में कांग्रेस को वोट देकर जिताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके